बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हम सब लोग खैरियत से हैं? और शुक्र अल्लाह के फजल करम से हम भी बाकी हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह का फजल करम हुआ है कि इतनी माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है, आंधी आ गई है। माशाल्लाह से बहुत गर्मी के बाद एकदम से बादल भी बन गए हैं, अभी बादल गरज भी रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम आप देखें कितना खूबसूरत बन गया है। बनाया है ना, कल पूरा दिन गर्मी में किचन में मैंने जो काम किया ना, रात को मुझे बुखार हो गया। तो पौधा है ना, ये तो माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है। इसको जो है ना, ये तुरी की बेल देखिए, फाल से है ना, मौसम का भी फालशों की तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास से होके दे आप मौसम आइए। ये देखो लग गया, देखो अदनान बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। मौसम तो कुछ ठंडा हो जाएगा, एकदम से बारिश शुरू हो गई। चले आगे चलती है। तो माशाल्लाह से एकदम से बारिश भी बरसना शुरू हो गई है। अभी ज्यादा जोर की बारिश तो नहीं हो रही और बादल भी गरज रहे हैं हल्के हल्के, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। धूप से निकली हुई है, बारिश इस साइड से हो रही है। थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है ना, तो मैंने सोचा है कि कुछ मिर्चे चुन लेते हैं। हरी मिर्चे मैं चुन रही हूँ अचार के लिए, क्योंकि पहले जो मैंने डाली थी ना वो खत्म हो चुकी है। हम अपनी सराय की जबान में कहते हैं कि एक लरा जो है ना अल्लाह ताला ने बारिश का बरसाया और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चली, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मौसम बहुत अच्छा बन गया है। मर्चे काफी दिन से कह रही थी कि मैं चुन के आती हूँ और इसको अचार के लिए बना के अचार में डालती हूँ, क्योंकि पहले वाली खत्म हो गई थी। काफी दिनों के बाद जो है ना मर्चे चुनने आए हैं, तो मर्चे जो है ना सारी लाल हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। और अभी जो है ना ये एक दो दिन के बाद जो है ना इसकी चुनाई करूंगी अचार के लिए। हरी मर्चे तो मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि लाल हो चुकी हैं और हरी जो बची रही हैं। तो अभी जो है ना एक मेरे बहन का नाम लेना है, उसने काफी रिक्वेस्ट किया है कि मेरा नाम लेना है अपनी वीडियो में। तो मेरी बहन का नाम है सोफिया, तो उसने कमेंट्स किया है। अस्सलाम वालेकुम। मोटर को आज खोलना है, आज इसको ना सेट करवाने जाना है। बस हो गया ना, इस घर की मोटर खराब थी ना, इस वजह से मैंने कहा था को अभी ठंडा मौसम हो गया, तो गर्मी में तो वैसे भी काम नहीं होता। अच्छा, सुबह कोशिश की थी कि हम खोल के इसको मकैनिक के पास दिन में ले जाएगा अदनान, लेकिन फिर जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, फिर इसलिए अदनान ने कहा कि फिर शाम को देखे। मोटर का खोल रहा है तो इसको खोल के जो है ना अभी रख लेते हैं, और सुबह से मेरे जो है ना इसको ले जाएगा बनवाने के लिए। इसको क्यों खोल रहे हो? ये तार निकाल लेते हैं ना। तार निकाल ले तो ये तंग करेगी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ऊपर देखना जरा अदनान। कुछ दिन पहले ना हमारे घर का जो छत का पंखा था ना वो खराब हो गया था, तो अदनान ने कहा अम्मी मैं ये तो बात ही कोई नहीं है, मैं अभी इसको उतारता हूँ और अभी बन जाएगा। तो इसने उतारा, उसका ऑपरेशन किया, और फिर जो उसको ना बना के जब लगाया ना तो पंखा बिल्कुल ही बंद हो गया, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो फिर क्या होना था, फिर जो है ना लेकर गया शहर में और उसने कहा कि इसको जो है ना कबाड़ खाने में दे दो। खाली पर वापस लेकर आए, कहते हैं मम्मा पंखा तो खत्म हो गया। हाँ, तो फिर बस अभी जो है ना आप मेरी एक बहन ने कहा है कि आप जो है ना अपने घर का माहौल भी दिखाया करें, तो ये माहौल है हमारे घर का। थोड़ी सी आंधी आई है और पूरे शहर में जो है ना पूरा दरख्तों के पत्ते गिर गिर के जो है ना पूरा शहर भरा पड़ा है। तो सर्दियों की वजह से ना छांव की वजह से ये देख रहे हैं आप, तो ये जो है ना ये सारी दीवारें नीचे से खराब हो रही हैं, क्योंकि इस साइड पर दरख्त है ना, तो ये साइड इसीलिए इसकी प्लस्तर की खराब हो चुकी है। सहन में पौधे लगाने की बात, फूल लगाने की बात, तो वो हमारा इरादा भी है। बारिश होती है ना तो सारा सहन में जो है ना ऐसे मट्टी और कीचड़ बन जाता है, तो बाहर बंदा निकले तो सारे पैर भी खराब हो जाते हैं, फिर अंदर भी मट्टी हो जाती है। इस पूरे घर का जो है ना सहन पक्का करा लेंगे, और ये जो बच्ची कुट्टी दीवारें हैं ना प्लस्तर करने वाली, ये भी प्लस्तर हो जाएंगी।
तो अभी जो है ना अदनान ने मोटर को खोलिया है, ये ख्याल करना है ये इसको तोड़ना नहीं है। पता है आप मैकेनिक है, जो पंखा बनाया था अभी वो तो कभी ना चलने वाला था। तो अब मट्टी जो मैंने भिगो के रखी थी वो भी मेरी वैसे ही थाल में भी पड़ी हुई है। कल जो है ना इस पूरे किचन की जो है ना दोबारा से मरम्मत करेंगे। बस अभी जो है ना हम आ चुके हैं इस घर के गार्डन की तरफ। तो अभी जो है ना ये गार्डन अभी बारिश की वजह से जो है ना हरा तो हो गया है, लेकिन जो है ना इधर ये गार्डन सारा खराब हो गया है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है और थोड़ी सी जगह पर वो आ नहीं सकती थी, इसीलिए इस बार जो है ना गाड़ी के कहीं खड़े करने का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन अभी जो है ना फिर इस गार्डन को भी गार्डन में भी फूल वगैरह भी लगाएंगे। अभी जो कबूतरों को देखो ना ठंडी ठंडी हवा में जो है ना ऊपर छत पर बैठ गए। तो बस ये थोड़ी सी ईंटें मंगवाई हैं, क्योंकि इधर मशीन पर जो है ना छप्पर बनाना था और बारिश का सिलसिला जब से शुरू है ना अब तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। इस मशीन पर छप्पर नहीं है ना, तो जब भी बारिश आती है इधर बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है और फिर मशीन में जो है ना अर्थ वगैरह भी लगने का डर लगा रहता है। दो सिर्फ पिलर उसारनी है और उस ऊपर छत डालनी है, तो वो सारा सामान देखें खड़ा हुआ है। हाँ तो भी बस अभी जो है ना हम आ चुके हैं बाहर वाली साइड पर और कपास को भी मैं देख रही थी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टीडे लगे हुए हैं और कपास की फसल जो है ना तकरीबन तैयार होने वाली है। हाँ तो माशाल्लाह से ये देखे कितने टीडे लगे हुए हैं अभी इस पौधे को, ये देखो करो जड़ से लेकर ऊपर तक पूरा जो है ना पौधा भरा पड़ा है। तो मुझे जंझण का जंतर का जंझण का और आपस रह के चादे आपस रह के चादे जंझण ये बकरिया बहुत शौक है खाने। मैं पट की थी मैं ले ली कौन खावे सा मुकम्मल विलाग बड़े रिवर जाक सिंदा बड़े सुना ना इंशाल्लाह। ये किस चीज के पता है आपको दना किस चीज के है मुझे क्या पता आप है? ये है तिल, ये तिल है तिल्ली, तो तिल्ली तिल्ली लगती है ये छोटी एक होते हैं बड़े तिल और छोटी होती है तिल्ली, तो ये छोटी तिल्ली हमने इस साल बोवाई है लेकिन इसको जो है ना पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई है अभी ये लग ही नहीं रही। हाँ तो अभी जो है ना मेरी काफ़ी सारी बहनों ने मुझसे दरख्वास्त की कि आप जो है ना अपने पूरे घर का हमें विजिट कराएं, तो मैंने सोचा है कि अच्छा है बुरा है अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने सामान भी इतना ज़्यादा नहीं खरीदा, अभी घर बनवाने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बाद हमने सोचा है कि कुछ सामान खरीदेंगे, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं आप लोगों को अपने घर का विजिट करा देती हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को अपने घर का विजिट कराती हूँ। तो यह कमरा है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, तो इस कमरे में हम पूरा दिन गुजारते हैं और यानी कि पूरी मुकम्मल फैमिली इधर हमने अंदर आई है, आपको बताती हूँ। हाँ तो ये है हमारा कमरा जिस कह सकते हैं कि जिसमें हम पूरा दिन बैठे रहते हैं और इधर ही पूरा दिन गुजारते हैं। गर्मी में हमारा पंखा भी लगा हुआ है, कूलर पंखा भी चल रहा होता है और ज़्यादा कुछ सामान नहीं है और एक चारपाई हम इधर भी डाल देते हैं, अभी तो हमने बाहर सहन में निकाली हुई है, तो बस पूरा दिन हम इधर ही गुजारते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारा कमरा है और ये थोड़ा सा मेरा सामान इधर रखा हुआ है, पेटियां वगैरह और कपड़े वगैरह जो है इधर खड़े कर देते हैं। और ये जो हमारा कमरा है ये हमारा अभी कमरा सारा पार्क पड़ा हुआ है, इसमें अभी हमने कोई सामान वगैरह नहीं रखा क्योंकि जगह जो है ना कमरे काफी सारे हैं ना, तो अभी इधर जो है ना हमने ये कमरा बनवा के इधर बेड और सोफे वगैरह जो है ना इसी कमरे में रखने हैं और इंशाल्लाह कुछ ही अरसे बाद जो है ना ये कमरा मुकम्मल करा के ना तो फर्नीचर का सामान लेंगे इसी कमरे में रखेंगे। और ये जो हमारा कमरा है तो ये हमारा अभी स्टोर रूम बन रहा हुआ है, इसमें कबाड़ का सामान भी पड़ा हुआ है, गंदम और प्याज वगैरह जो होती है ना ये खुश्क सामान ये सारा इधर रखा हुआ है। हाँ तो बस अभी जो है ना इतना सामान नहीं है क्योंकि घर बनता है सामान रखने से और बनाने से, क्योंकि माशाल्लाह से घर तो हमारा तकरीबन बन चुका है, थोड़ा सा काम बाकी रहता है सीलिंग को कराना और मार्बल पे लगवाना बाकी है और बाकी रह गई कलर की बात, तो कलर उस घर में भी कराया था सारा खराब हो गया था, तो इधर कलर नहीं कराएंगे, इधर ऐसा काम करेंगे जो खराब ना हो, जैसे इब्राहिम के कमरे में जो है ना वो लगी हुई है ना शील्ड, तो इंशाल्लाह कुछ देर से बाद जो है ना हम
अपना ये घर बिल्कुल मुकम्मल करवाएंगे। और आप जितने भी मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि आपने अपना ये घर मुकम्मल नहीं करवाया, तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ ये घर इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन मैं जो है ना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा और ठहर जाऊँ ताकि अदनान जो है ना कुछ अदनान की शादी के करीब जो है ना दोबारा से नया घर बनवाऊँ। नया घर तो होना, अदनान को हंसी आ रही है क्योंकि फिर जो है ना हम मैं अभी से घर बनवा लू ना तो फिर अदनान की शादी पर दोबारा से मुझे इसको बनवाना पड़ेगा। हाँ तभी बस अभी जो है ना मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और माशाल्लाह से मेरा मेहनत से मोहब्बत से इतनी मेहनत करके मैंने ये जो घर बनाया ना इसकी तारीफ करनी है, गीला नहीं करना। और बाकी रहेगी फर्नीचर वगैरह ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ना इनके ज़्यादा पैसे लगते हैं ना ज़्यादा अहम होते हैं। हम देहात में रहते हैं, देहाती लोग हैं ज़्यादातर, तो मेरा भी शौक है, मुझे भी मेरा भी दिल करता है कि मेरे हर कमरे में सोफे भी हों, बेड भी हों, हर चीज़ हों। लेकिन अभी जो है ना जिस तरह से हमारे वो क्या कहते हैं ना कि जिस तरह से काम होता आएगा सुकून से मेहनत से, तो उसी तरह सारा काम इंशाल्लाह करेंगे। तो इसी के साथ हमें जी दिए इजाज़त, दुआ में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।